क्या आप जानते हैं इरिगेशन का क्या मतलब है? क्या चीज को कहते हैं इरिगेशन? चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू ऑफ वाटर रिसोर्सेस आईसीएसई ज्योग्राफी क्लास 10th। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा, प्लीज फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, ऊपर आई बटन है आप वहां भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां भी जाकर के फर्स्ट पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्स जरूर देखें। आइए बिगिन करते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट टेक्निकल तो बड़ा नाम लग रहा है, पानी के लिए शेड लगाना और उसको व्यवस्था करना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेफर्स टू वाटर शेड मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बोथ सरफेस एज वेल एज ग्राउंड वाटर रिसोर्स। बस सिंपल, क्या करना है? मैनेज करना है, बचाना है किसको? जो पानी ग्राउंड में उपलब्ध है सरफेस में, और प्लस जो आपके अंडरग्राउंड में पानी उपलब्ध है, उन दोनों को क्या करना है? मैनेज और कंजर्व करना है। बस गवर्नमेंट ने भी, यस सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसका इंपॉर्टेंस समझा वाटरशेड मैनेजमेंट का, और इसके लिए एक अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और प्रोजेक्ट का नाम दिया हरियाली। हरियाली एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ना, जो हेल्प करती है रूरल पीपल को वाटर कंजर्व करने के लिए, ताकि वो वाटर इरिगेशन में यूज कर सके, ड्रिंकिंग में यूज कर सके, फिशरीज में यूज कर सके, और इवन अफॉरेस्टेशन अर्थात नए जगहों पे पेड़ पौधे जंगल लगा सके। तो अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग आसान भाषा में क्या है? नाम में तो बड़ा टेक्निकल वर्ड लग रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आसान भाषा में बारिश के पानी को बचा कर रखना और इसका इस्तेमाल भविष्य में आने वाले समय में पानी के रूप में अपने, चाहे इरिगेशन करने के लिए, चाहे पीने के लिए, या और किसी कामों के लिए प्रयोग करना। बस इतना सा काम है, इतना सा नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आइए जानते हैं क्या हाल है जब हम अलग अलग जगह वाटर स्टोर करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग का, तो उसका क्या नाम रखा गया है? वाटर स्टोरिंग मैकेनिज्म्स। अर्थात जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो पानी कहीं ना कहीं हम फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं, तो उनके अलग अलग नाम हैं। यस, उन वाटर रिसेप्टेकल्स के अलग अलग नाम हैं अलग अलग प्रदेशों में, जैसे खत्री और कुल। खत्री और कुल नाम है इसका वेस्टर्न हिमालयाज में, मतलब जहाँ पे पानी का भंडार होता है, जहाँ पानी स्टोर किया था रेन वाटर वाला, उसका नाम खत्री है। और या तो गंगा वैली में इसका नाम बाउलीज है, सेंट्रल इंडिया में इसका नाम जोहाड है। तो अलग अलग जगहों पे क्या है, ये हमारे ट्रेडिशनल नाम है रेन वाटर जो स्टोर किया गया है, उस स्टोर्ड की हुई जगह का नाम है। अब आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना होने की वजह से देखिए चेरापूंजी की क्या हाल है। आइए, आपने पढ़ा है कि वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस, रेनियस प्लेस्ड है चेरापूंजी। रेनफॉल इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी क्या वहां पानी है? देखिए तो चेरापूंजी सफर्स फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अरे सर, ये क्या कह रहे हैं आप, पानी की कमी चेरापूंजी में? तो यस, पानी की कमी है। आइए जानते हैं क्यों। तो क्यों? क्योंकि बिकॉज रेनफॉल इन शॉर्ट स्पैन ऑफ हाई इंटेंसिटी। बारिश जरूर है, एक साथ पड़ती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती है, और कम समय ही खूब सारा रेन दे देती है। इसका मतलब साल भर रुक रुक करके बारिश नहीं होती है, बल्कि कुछ ही समयों में, कुछ ही समय में खूब सारी बारिश एक साथ पड़ करके क्या हो जाती है, गिर के खत्म हो जाती है। अब ये गिरा हुआ पानी क्या होता है? ये पानी बहता हुआ चला जाता है, नालों में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, पीने योग्य भी नहीं रहता है पानी। तो यही है प्रॉब्लम चेरापूंजी की, और ये सिर्फ चेरापूंजी की प्रॉब्लम नहीं है, हर बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आपके शहर में भी जहाँ आप रहते हैं, क्या आपने अपने घर का पानी बचाने के लिए कोई काम किया? क्या आप अपने घर के आसपास देखे कहीं जहाँ पे पानी बिल्डिंगों से गिरता हुआ, बारिश आजकल पड़ रही है, वो गिरता हुआ पानी कहाँ जा रहा है, कभी ध्यान दिया है आपने? हाँ, अपने घर के बाहर रेनी सीजन में जब बारिश पड़ रही हो जरूर निकल के देखिए। हाँ, आप देखेंगे कि छतों का पानी सड़क पर आ जा रहा है। हाँ,
पानी जो छतों पे इकट्ठा हो रहा है वो कहीं रुक नहीं रहा है, वो बहता हुआ नाली से सड़क पे चला जा रहा है या अंडरग्राउंड सीवर में चला जा रहा है, जो कि किसी काम के लायक नहीं है। जबकि रेन वाटर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, और ये प्राइमरी सोर्स, नेचुरल सोर्स बर्बाद हो रहा है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म भी है, याद रखिएगा। तो रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आइए समझते हैं मैकेनिज्म फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को हार्वेस्ट करने के कैसे क्या क्या हम एलिमेंट्स लगाएंगे इस पानी को, जो बारिश का पानी पड़ रहा है उसको हार्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले द एलिमेंट्स ऑफ हार्वेस्टिंग आर, क्या क्या एलिमेंट लगेंगे। सबसे पहले कैचमेंट की बात करते हैं। कैचमेंट वो जगह है, वो एरिया है जहां पर बारिश का पानी डायरेक्टली पड़ रहा है। अब वो भली आपकी छत हो सकती है, आपका बरामदा हो सकता है, आपके खेत हो सकते हैं, जहां पर बारिश पड़ रही है, यस उस जगह को कहते हैं कैचमेंट। और कॉन्ड्यूट क्या होता है। कॉन्ड्यूट वो पाइप्स या वो ड्रेन्स हैं जहां पर ये कैचमेंट वाला पानी आया उसको वो ले जा करके कहाँ रखेगा, एक स्टोरिंग ग्राउंड में रखेगा, एक टैंक में रखेगा, या जहां पे जाकर के स्टोर कर देगा। हाँ, कहाँ पे स्टोर करेगा, स्टोर करने की जगह का नाम रखा गया है स्टोरेज फैसिलिटी। ये थर्ड एलिमेंट है, अर्थात जो रेन वाटर कॉन्ड्यूट की मदद से कैचमेंट एरिया से निकल के कॉन्ड्यूट की मदद से पहुंच जाएगा स्टोरेज फैसिलिटी में। हो सकता है आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी इतनी ज्यादा ना हो, तो आपके पास टैंक्स या आरसीसी का, जहां पे ढलाई करके जमीन में पानी के नीचे टैंक्स बनाए गए हैं, या और भी प्लास्टिक टैंक्स जो अवेलेबल है आपके पास उपलब्ध ना हो, तो एक तीसरा दूसरा रास्ता भी है, आप रिचार्ज कर दीजिए। इस पानी को वेस्ट मत होने दीजिए, जो रेन का पानी है जहां भी कैचमेंट एरिया में कलेक्ट हो रहा है वहां से कलेक्ट करके इस पानी को अंडरग्राउंड वाटर में पहुंचा दीजिए, अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स में पहुंचा दीजिए। अब आप बोलेंगे सर हम लोग कैसे पहुंचाएंगे, क्या हमको इसके लिए कुआं खोदना पड़ेगा। नहीं, जो ऑलरेडी वेल है, ट्यूबवेल्स हैं, आपके घर में बोरिंग है, बस आपको क्या करना है उस छत के पानी को कॉन्ड्यूट की मदद से उसमें क्या कर देना है, पानी डाल देना है, अपने आप ही आपका ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब आता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या होता है रूफ टॉप। आइए एक डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम ही क्लियर कर देगा कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है। देखिए, यस, इट इज द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर फ्रॉम द रूफ, छतों पे गिरने वाला पानी जो कि नाली में बह जाता है, गटर में चला जाता है, यस, इसी छतों में बहने वाला पानी इज डाइवर्टेड थ्रू द ड्रेन पाइप्स टू द स्टोरेज कंटेनर्स। आप इसको क्या करिए, बड़े बड़े स्टोरेज कंटेनर्स में रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब समर्स में आपके पास पानी नहीं रहेगा तब आप इस पानी का क्या करेंगे, इवन ड्रिंकिंग तक में प्योर करके साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वाटरिंग द फील्ड्स करने में तो डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज का क्वेश्चन जो आपके लिए है, तैयार है। हाँ, व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ वाटर सप्लाई। प्राइमरी सोर्स तो मैंने बता दिया था, प्राइमरी सोर्स रेन वाटर, आपको बताना है सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। यस, आता होगा तो झिझकिएगा मत, ट्राई करिएगा। रॉन्ग और राइट कुछ नहीं होता है, ट्राई करना जरूरी होता है, बिकॉज द मोर यू इंटरेक्ट विथ मी द मोर आई एंड यू टुगेदर मेक अ बिग डिफरेंस। तो इसी उम्मीद के साथ कि यू विल गिव कमेंट्स एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ताकि मैं भी आपको रिप्लाई कर सकूं जवाब से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब आज का जो मेरा क्वेश्चन था वो जो आपके लिए था, इस वीडियो के बिगनिंग में मैंने पूछा था इरिगेशन का मतलब क्या होता है। इरिगेशन का मतलब गिविंग वाटर टू द फील्ड्स, अपने खेतों को पानी देना, अपने आप बारिश का पानी मिल जाएगा तो इरिगेशन नहीं है। हाँ, आपने जो मींस लगाया, आपने ट्यूबवेल लगाया, आपने बोरिंग करवाई, आपने वेल खुदवाया और पानी दिया, तो उसका नाम हो जाएगा इरिगेशन। सो इरिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्लांट्स थ्रू आर्टिफिशियल मींस। आप आर्टिफिशियल तरीकों से खेतों को पानी दे रहे हैं, इन प्रोसेस का नाम रखा गया है इरिगेशन। अब उसके लिए चाहे आप टैंक का इस्तेमाल करिए, चाहे वेल का इस्तेमाल करिए, चाहे कैनाल, चाहे ट्यूबवेल, यस, किसी भी आर्टिफिशियल टेक्निक से आप खेतों को अपने पानी दीजिए, गिविंग वाटर टू दी फील्ड्स। हमारे देश में पानी का कंट्रीब्यूशन क्या है, देखिए 92% हमारा पानी, यस, 92% ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन,
एंड 2% इज वाटर इज यूज फॉर इंडस्ट्रीज, बैलेंस 6%, यस 6% बचा, ये पानी डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम आता है। तो इसका मतलब मैं और आप पानी कितना पी पा रहे हैं, मुश्किल से 6% ऑफ द टोटल वाटर सप्लाई जो आप और मैं ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में जो बर्तन कपड़े साफ हो रहे हैं, धुल रहे हैं, उसमें पानी लग रहा है ना, सबका टोटल परसेंटेज सिर्फ 6 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा, कितना बड़ा मेजर शेयर जो है, 92% जो हम मार्क कर रहे हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं आपको, वो शेयर क्या है, इरिगेशन में इस्तेमाल हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। तो क्या जरूरत है इतना ज्यादा पानी इरिगेशन में देने की, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आइए इसको समझते हैं, रीजंस फॉर इरिगेशन। तो सबसे पहला कारण इरिगेशन का क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। हमारे यहाँ बारिश अर्थात मानसून का कुछ भरोसा नहीं है, कभी वो समय पर आते हैं इसकी कोई जरूरी नहीं है। आपने क्रॉप लगा रखा है और आप मानसून का वेट कर रहे हैं, तो आप पक्का है कि आपका क्रॉप फेल हो जाएगा, क्योंकि द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मानसून इज नॉट एग्जैक्ट, इट मे अराइव लिटिल अर्लियर और इट मे अराइव लिटिल लेट, सो सर्टन नहीं है उसका कब आएंगे मानसून। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हमारे देश में रेनफॉल मानसून डिपेंडेंट सबसे ज्यादा है, और ये रेनफॉल अन ईवन है, कहीं बहुत हैवी रेनफॉल है। हाँ आप जानते हैं कुछ एरियाज में मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पड़ रही है, चेरापुंजी तो डिस्कस हम कर ही चुके हैं, चेरापुंजी और मौसिनराम में तो 111 में तो सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल पड़ती है। बट कुछ प्लेस ऐसे भी हैं जो एकदम ड्राई डेजर्ट्स हैं, जैसे कि जैसलमेर इन राजस्थान, जहां पे वर्ल्ड का सबसे ड्राइस्ट प्लेस में से एक है। तो आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, अन ईवन जो है रेनफॉल है, कहीं रेनफॉल इतनी ज्यादा है कि वहां पर फ्लड्स आ जा रहे हैं, और कहीं रेनफॉल इतनी कम है कि वह ड्रॉट हो जा रहा है, अर्थात क्रॉप कल्टीवेशन वहां फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और कुछ क्रॉप्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे यहाँ जो समर क्रॉप्स हैं, यस समर क्रॉप्स हैं, वो बिना पानी के तो ग्रो ही नहीं कर सकते, समर क्रॉप्स डेफिनेटली नीड अ लॉट ऑफ वाटर। तो कुछ क्रॉप की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए इरिगेशन करना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो क्रॉप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और क्या रीजन है, नेचर ऑफ द सॉइल। सैंडी सॉइल पानी रिटेन नहीं कर पाती है, वो पानी परकुलेट होकर नीचे चला जाता है, तो ऐसी सॉइल में क्रॉप्स को पानी देने के लिए इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। और टू यूटिलाइज रिवर वाटर, अगर हमारे पास रिवर्स में पानी है और वो पानी फ्लडेड है, तो क्या बेटर रहेगा कि हम उस पानी को इरिगेशन में इस्तेमाल कर लें। हाँ अदरवाइज दैट फ्लड इज ऑल्सो गोइंग टू हार्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन कि इरिगेशन क्यों जरूरी है, वो है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। आप जानते ही हैं इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और बढ़ती हुई आबादी को बढ़ता हुआ फूड ग्रेन चाहिए, नतीजा आपको करना पड़ेगा ज्यादा खेती, और खेती के लिए एक सीजन पर्याप्त नहीं है देश की जरूरत पूरा करने के लिए, तो एक से अधिक सीजन के लिए क्रॉप ग्रो करने के लिए आपको चाहिए पानी, इरिगेशन। दैट इज व्हाई इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया। चैप्टर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करो प्लीज, आप क्यों घबरा रहे हो लाइक प्रेस करने से, नहीं समझ में आया है फेयरली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ एक चीज और करना है, एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन यू आर मिसिंग अ लॉट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी एक लिंक, आपके एक क्लिक से आपके कितने फ्रेंड्स का, आपके कितने दोस्तों का भला हो सकता है, वो भी यस ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, सिविक्स को और 10th ICSE बोर्ड के सब्जेक्ट्स को इजिली नोट बना सकते हैं। सो हेल्प देम, हेल्प योर फ्रेंड्स लाइक एज यू आर नाउ एबल टू मेक नोट्स, बिकॉज शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। हाँ और कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे उस पर जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। और अदरवाइज सुपर स्टार्स ग्रुप जो है, जो कि डेडिकेटेड ग्रुप है आप लोगों के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो सी यू देयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग टिल द टाइम, बाय।